नमस्कार, आज हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट कस्टर्ड। चलिए इसे बना लेते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए आधा लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे और साथ ही आधा कप अलग से दूध ले लेंगे। दूध को अच्छे से मैंने ये गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध लिया है और इस आधा लीटर दूध को हम पकाने के लिए रख देंगे गैस पे। गैस में दूध को हमने चढ़ा लिया है और फ्लेम मीडियम कर लिया है। हल्का हल्का बीच में चलाते रहेंगे और दूध को हमें गाढ़ा होने देना है। दूध जब तक पक के रेडी होगा तब तक हम इसके लिए कस्टर्ड घोल के तैयार कर लेते हैं। दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। दूध अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे डालना है। एक बार में नहीं डालेंगे और हल्का हल्का चलाते जाएंगे। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे ही हल्का हल्का चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। और अब इसमें डाल देंगे शक्कर। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 टेबल स्पून शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा सा और पका लेना है। कस्टर्ड रेडी हो गया है, गैस बंद कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो अब इसे निकाल लेते हैं, नीचे रख लेते हैं। ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, हल्का हल्का चलाते रहेंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया है तो अब इसे फ्रिज में रख देंगे ढक के 2 घंटे के लिए। कस्टर्ड ठंडा हो गया है तो इसमें हम डालेंगे फ्रूट्स। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अंगूर, केला और अनार। इसमें आप एप्पल भी डाल सकते हैं बारीक कट करके, तो इसे डाल लेते हैं। मिक्स कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। कस्टर्ड रेडी है। कस्टर्ड बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कस्टर्ड को घोलते समय हमें ठंडा ही दूध यूज़ करना है और उसमें अच्छे से घोल के धीरे धीरे हमें डालते हुए मिला लेना है। और अगर आप चाहें तो कस्टर्ड को थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं। तो अब इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसे आप मेरे इंस्टाग्राम पेज जायका विद कुलेश पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।